भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए आदेश के 3 साल बाद भी देश के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के बारे में जानकारी नहीं दी है और ना ही इससे संबंधित कोई सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। जी हां, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की तरफ से दर्ज याचिका को खारिज कर दिया था और आरबीआई को टॉप 100 डिफॉल्टर्स के बारे में जानकारी देने को कहा था। अब एक मीडिया चैनल ने आरटीआई दायर करके ये जानकारी प्राप्त की है कि आरबीआई, पीएमओ और वित्त मंत्रालय रघुराम राजन द्वारा भेजे गए एनपीए के बड़े घोटालेबाजों की सूची नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में 16 नवंबर 2018 से पहले जानकारी देने के लिए कहा गया था। हालांकि रिजर्व बैंक ने 26 नवंबर तक जवाब देने के लिए समय मांगा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में जा सकता है क्योंकि सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु रिटायर होने वाले हैं और उनके कार्यकाल का आखिरी दिन 20 नवंबर है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। 16 नवंबर 2018